बैक टू द माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी खसी ने ऐसा है कि मैं आया था मैनपुरी, एक दीदी हैं मोनिका राठौर उनसे मिलने। फिलहाल मैं मैनपुरी पहुंच चुका हूँ और अभी हम लोग खड़े हैं मैनपुरी में ही। दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत तेज वाली धूप निकल रही है और मम्मी वगैरह मिठाई वगैरह लेने गई हैं। ये देखिए ये है मौसा जी की गाड़ी, बलेनो न्यू निकाली है 4 दिन पहले ही, इसी से आए हैं हम लोग। अब चल रहे हैं उनके दीदी घर की साइड, अलग दीदी है वही सी। तो उनके घर पे तो आ चुके थे हम लोग दीदी के, बट दीदी अभी है ही नहीं, उनके घर पे लगा हुआ है ताला। ये देखिए पीछे ताला लगा हुआ है उनके घर पे। तो फिलहाल हमको अभी जाना पड़ेगा कहीं और, चलो चलते हैं फिर। तो गाइस अब जा रहे हैं मोनिका राठौर दीदी के पास और अभी हम लोग मैनपुरी की रोड पे चल रहे हैं। एक जगह तो पोपट हो गया, अब जा रहे हैं खोगट में। देखो फ्रेंड हम भी जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं आज हम सुबह से, नहीं कुछ खाया है नहीं कुछ पिया है। तो चल के दिखाते हैं आपको आगे। और गाइस बस थोड़ी ही देर में हम लोग भोगाव पहुंचने वाले हैं। अभी भी हम मैनपुरी में ही हैं, पता नहीं कितना बड़ा है मैनपुरी। मैंने कहा फ्रेंड ये गिलास जूस पिया था, शरद ने टिक्की खाई थी, हमने कड़ा के खाई थी खाना, ने तो दो गिलास जूस पी हुए हो गया, एक पहले पिया था। खाना की डाता करो ड्रंस करवा है खाना ब्लैक में तो मेरे कहीं तो ना सुन भाई वेलकम। गाइस ये है ट्रेन की पटरी भोगाम वाली, ट्रेन की पटरी ये देखिए। मोहिनी दीदी के गांव के लिए जाते हैं ट्रेन। मोहिनी या मोनिका राठौर? मोनिका राठौर पूरे भाई साहब भैया की आई थी सती है रोज मैं तुम मत बनाओ अम्मा वीडियो करता हूं तो बैठ हो जाती है। फिर लाइट जला ली होगी तूने? नहीं जाए हो जाए हो जाए मैंने देखो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भोगांव और वो रही सामने भोगांव की टंकी, दिखाई दे रही होगी इन 400 meters यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। अंग्रेजी पकड़ी पूरी दिखाओ टंकी अब सामने से आ रही है। गाइस अभी हम लोग हाईवे के साइड में चल रहे हैं, नीचे वाले रोड पे छाछा के लिए। कहाँ पे? छाछा के लिए। छाछा के लिए छाछा छाछा जलालपुर छाछा जलालपुर। तो
है बेटा? मम ये जा रहा है नेजा। नेजा है मेरा। जाएगा नीचे। अभी हमारी गाड़ी बाजार में आ चुकी है गाइस। टंकी टंकी लग रही है नीचे। In 100 meters, turn right toward National Highway 34. Take the next right toward National Highway 34, then turn right. Take it easy, Tanka. Tanka, Mama, Hawa. Come on, let's go. We're going to तो गाइस जलालपुर गांव में कब्जा कर लिया हम लोगों ने और फिलहाल अभी इसकी रोड पे कब्जा कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे समझो चांद पे कब्जा कर लिया है। हाँ कैसे कही बनाई भतीजी है इसी के साथ हो जाएंगे तो मोहन डॉक्टर क्या करेंगे हमारा भतीजा है वो तो चलो तुम्हें अभी बुला के लाते हैं। मोहिनी दीदी भी इसी नहर पे वीडियो बनाने आती है। यहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं गाइस। रोज नहीं जब भी कोई मिलने आता है तो कहता है चलो नहर की हम लोग नहर से आगे चले गए फिर वहाँ पे पहुँचा के ये रास्ता नहीं है पीछे जाना पड़ेगा फिर से नहर पे तो हम लोग फिर से नहर पे आ चुके हैं। अब ये रही गाइस नहर गैस पहुंच चुके हैं सच वाले मोनी रात और के घर पे जाने वाले थे हम वो तो आ ही गए हैं जाने वाले क्या है भैया मोहिनी का घर कौन सा है किधर से जाएंगे बस यही आप पैक करके खड़ी करो वहां से दूध दिखाई दे रहा हूं पीछे से ही लग रहा बिना कौन से केयर दिखाई पहुंच तो चुके हैं गाइस घर पे अब देख रहे हैं दी हमको मिल चुकी हैं क्या नाम है दीदी आपका हेलो गाइस हम हैं मोनी राठौर मैनपुरी से और ये हमसे एटा से मिलने के लिए आए हुए हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट कीजिए और क्या कह सकते हैं हम अगर आप हमें जानते हो तो उनको चैनल को सपोर्ट कीजिए इन्हें भी आगे बढ़ाइए सारे लोग मतलब कि यूट्यूब पे उठना चाहते हैं तो उसमें भाई इनकी भी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू दीदी। तो हेलो गाइस जय भैया हमसे मिलने के लिए आए हैं एटा से और भाई इन्हें सपोर्ट करो जय बड़े शर्माते हैं भाई ब्लॉगर नए नए यूट्यूबर है भाई बहुत शर्म लगता है देखो हमारी भैंसी आ जा बंदी आ जा बड़ी मक्का रहेगी सबको स्वागत कर रही है सब लोग मिलन के लिए आए हैं तो भाई कैसे लग रहा है हमसे मिलके बहुत अच्छा तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट कीजिए और तुम ब्लॉग पर थोड़ा ध्यान दे बड़े शर्माते हैं भाई जी बड़े शर्मीले हैं पता ना कैसा मैनेज करते हैं ये वीडियो कैसा बनाते हैं हमें कुछ ना पता है तो ये बिल्कुल लईना बोल रही है और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं बहुत छोटी उम्र पे हैं क्योंकि हम तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अब तुम्हें जो काम करने हैं बड़ा सीरियस लेकर करने हैं ठीक है तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन हमें जानते हैं हमें मोहिनी राठौर मैनपुरी से और हमारा यूट्यूब चैनल है मोहिनी राठौर डांस एंड मस्ती ब्लॉग्स ज़रूर देखिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो फॉलो भी इंस्टा पे भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठीक है तो इन्हें भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इनकी फैमिली आई है बड़ी प्यारी फैमिली है भाई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके तो ये छोटू हैं हेलो बोलो हेलो बोलो कहना
का पापा बैठे हैं और ये दीदी की भैंस वगैरह हैं, और ये है घर दीदी का, और इधर दीदी खड़ी हैं, और ये मम्मी खड़ी हैं, गीता आंटी खड़ी हैं, और उधर बैठे हैं मौसा जी। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, और दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई, हमें भी भैया मिलके बहुत अच्छा लगा। और अब ये बोले हैं, हमने बहुत कही इनसे कि बोलो बोलो बोलो, तब जो बोले अब इनकी आवाज सुनी है, हमने सुनी है। चलो दीदी ने बोलना सिखाया। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सैयद पे, और अभी चलते हैं घर पे। ये खड़ी है गाड़ी, गीता आंटी उतर रही हैं। अब चलो चलते हैं घर पे चल के मिलते हैं आपसे। गाइस भूख लग गई थी बैठे बैठे गाड़ी में, तो अब इन भैया के यहाँ पे खा रहे हैं फिंगर, और मैंने तो आंटी ने फिंगर बनवाए, मैंने अपनी मोमोज निकलवाऊँगा अपने लिए। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और मोहिनी राठौर दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और कमेंट में बताना कौन कौन उनको जानता है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आज से, और उनके चैनल को भी। तो मैं इस ब्लॉग करने वाला हूँ यहीं पे एंड, बताना कैसा लगा आपको ब्लॉग। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।